शरा के थकड़ एक्शन पर कैसा होगा परिवार का रिएक्शन। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। इस पर उन सब यात्रियों के नाम लिखे हुए हैं जो इस यात्रा में जा रहे हैं, और हमें इन लोगों पर खास नजर रखनी हो। चक्रधार, शेरा और चाणक्य और शास्त्र का नाम भी लिखे। तुम्हें शास्त्र पे शक है? मुझे वो कुछ ठीक नहीं लगता। मुझे लगता है तुम गलत हो चाह। नहीं संजय, यात्रा में आया हुआ कोई भी यात्री भीमदेव का गुप्तचर हो सकता है। जब तक हमें सबकी असलियत पता नहीं चल जाती, हमें सब पर शक करना होगा। ये नाम देना इधर। ये लो। मुझे मेरा कपड़ा दो। और अगर हमने नहीं दिया तो? देखो, मुझे ये सब बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे मेरा टुकड़ा वापस दो। हमने कहा ना, हम नहीं देंगे। जाओ। तुम एक बार में बात क्यों नहीं समझती? तुम्हें ये कपड़ा चाहिए ना? ये लो। बात तुम हमारे नहीं समझते। हमने तुमसे कहा था ना, हम नहीं देंगे। जाओ। हे भगवान, अगर ये लड़की साथ रहेगी तो यात्रा कैसे खत्म होगी? चुरमुरे वाला। ये क्या है? क्यों मजाक करती हो? गांव का बच्चा बच्चा चुरमुरे खाता है। सच्ची? हाँ, खाओगी? अरे ओ राजकुमारी जी, पैसे? जी वो अभी हमारे पास पैसे नहीं है, हम अभी लेकर आते हैं। हाँ, मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। इस यात्रा पर किसी से ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई तुमसे कुछ पूछे ना तो कोई जवाब मत देना, ठीक है? अरे धर्मसेन जी, आप यहाँ? धर्मसेन? कौन धर्मसेन? आप धर्मसेन जी के रिश्तेदार हो ना? मतलब आप सोनपुर से आए हो ना? नहीं। तो कहाँ से आए आप? गुजरात से। तुमसे मतलब? अपने काम से काम रखो। वही तो कर रहा हूँ, गलती हो गई, चलता हूँ। अरे पंदीर, तुमने पृथ्वी को देखा क्या? नहीं, क्या? मैंने भीमदेव के आदमी को पहचान लिया है। अच्छा? हाँ, मैंने भी। चलो। ये तुम क्या ताक झांक कर रहे हो? ये अच्छी आदत नहीं है। बाबा मैं तो बस वो वैसे ही। जी आ गए? नहीं आए जी। बाबा मैं तो बस उन्हीं को देख रहा था। बड़ी देर कर दी जी। यात्रा पर निकलने का समय हो चुका है जी। आते ही होंगे।
अगर कभी वो हमें अपना हाथ देगा तो हम उसका हाथ कभी नहीं पकड़ेंगे। देवव्रत जी आ गए आप? रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं? देर से आने के लिए माफी चाहता हूं बाबा। साष्टक छत्र लेकर आओ। आइए आइए। भोलेनाथ की जय। भोलेनाथ की जय। भोलेनाथ की जय। भोलेनाथ की जय। मुझे पता चल चुका है कि भीमदेव का आदमी कौन है। उसका नाम शेरा है। कोई भी उसके बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन सबको यह पता है कि वो हमारे साथ इस यात्रा पे जा रहा है। और हाँ, मुझे पूरा विश्वास है यही भीमदेव का गुप्तचर। चक्रधार अपनी बेटी सुनंदा को लेकर कोटेश्वर की यात्रा पर जा रहा। कह रहा था कि किसी से बात मत करना और ना किसी के सवाल का जवाब। चाणक्य आदमी तो बूढ़ा है, लेकिन उसकी चाल को देखकर ऐसा लगता है कि उसके पैरों में बहुत ताकत है। एक कोई राजकुमारी चमकी अपनी सहेलियों के साथ यात्रा पे जा रही है। भीमदेव उसे कभी नहीं भेजेगा। ठीक है, काफी सारे नाम आ गए। ये तो पता चल गया है कि हमें ये खेल कहां से शुरू करना है। सब लोग अपनी अपनी आंखें खुली रखना, और संजम कभी कभार जो सामने दिखाई देता है वो ही असली गुनहगार होता है। तुम उस राजकुमारी पर भी नजर रखना। चलो बोलो कोटेश्वर महादेव की। यात्रा में देरी के लिए मैं सभी श्रद्धालुओं से क्षमा चाहता हूँ। नाग छत्र की पूजा होते ही हम कोटेश्वर मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे। इस यात्रा में हमें चार चरण पार करने होंगे। रात में हम आराम करेंगे और दिन में हम प्रस्थान करेंगे। लगभग 30 दिनों में महाशिवरात्रि से 2 दिन पहले हम कोटेश्वर मंदिर पहुंच जाएंगे। लाओ बेटे। बेटा हाथ बढ़ाओ। बेटा ये पूजा का जरूरी हिस्सा है, बंधवा लो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बिराजी बिराजी आई। बोलिए कोटेश्वर भगवान की जय। बोलो भोलेनाथ की जय। बोलो उमापति महादेव की जय। मुझे अपना हाथ दो। तुमने सुना नहीं हमने क्या कहा? तुम जाओ यहाँ से। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम जाओ यहाँ से, हमें चाहिए तुम्हारी मदद। मुझे भी राह चलते लोगों की मदद करने का शौक नहीं है। राह चलते लोग।
कहाँ गई होगी संयोगिता? कहीं नजर भी तो नहीं आ रही है, कहाँ ढूंढ? हम यहाँ हैं। संयोगिता, अरे अरे अरे, उतरो, उतारो इसे, मुझे नीचे उतारो, पकड़ो, छोड़ दो, ऊपर आ जाओ। समझ सके अपने आप को? अगर उसे पता होता ना हम एक राजकुमारी हैं, तो हमसे इस तरह कभी बात नहीं करता। राज करते लोग, हाँ? हम उसे राज करते लोग लग रहे हैं। देख लेंगे उसको। राजकुमारी, हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ, और आप यहाँ ऊपर पेड़ पर क्या कर रहे थे आप ऊपर? हाँ, देखिए अब आप अपना ये नाटक छोड़ दीजिए और हम जैसा कहते हैं ना वैसा कीजिए आप। हमने तुमसे कितनी बार कहा है हमें राजकुमारी मत कहा करो, जरा हम भी तो देखें आम लड़की बनने के बाद लोग हमसे कैसे पेश आते हैं। अरे उस लड़के की हिम्मत तो देखो, हमें अकेले छोड़ के चला गया जब हम पेड़ पर लटक रहे थे। उसने पूछा मैं तुम्हें छोड़ दूं, हमने कहा हाँ, और वो सच में चला गया। हाय राम, उस लड़के का नाम क्या था? पता नहीं, लेकिन किसी अमीर घर से लग रहा था, लेकिन हम भी कुछ कम नहीं, देख लेंगे उसको। राजसी लोग। यात्रा का शुभारंभ किया जाए? अवश्य देवव्रत। जो आज्ञा। बोलिए कोटेश्वर महादेव की जय। कोटेश्वर महादेव की। इस पर उन सब यात्रियों के नाम लिखे हुए हैं जो इस यात्रा में जा रहे हैं, और हमें इन लोगों पर खास नजर रखनी हो। चक्रधार, शेरा और चाणक्य और शास्त्रक का नाम भी लिखे। तुम्हें शास्त्रक पे शक है? मुझे वो कुछ लिखने लगता। मुझे लगता है तुम गलत हो चाह। नहीं संजय, यात्रा में आया हुआ कोई भी यात्री भीमदेव का गुप्तचर हो सकता है। जब तक हमें सबकी असलियत पता नहीं चल जाती हमें सब पर शक करना होगा। ये नाम देना इधर। ये लो। मुझे मेरा कपड़ा दो। और अगर हमने नहीं दिया तो? देखो मुझे ये सब बातें बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे मेरा टुकड़ा वापस दो। हमने कहा ना हम नहीं देंगे, जाओ। तुम एक बार में बात क्यों नहीं समझती? तुम्हें ये कपड़ा चाहिए ना? ये लो। बात तुम हमारे नहीं समझते, हमने तुमसे कहा था ना हम नहीं देंगे, जाओ। हे भगवान, अगर ये लड़की साथ रहेगी तो यात्रा कैसे खत्म होगी? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।